हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने भाई के ब्लॉग में। कल हमने एक ब्लॉग गिरो पीड़न को, तो आप बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला आप भाइयों को। तो आज की सुबह हो रही भैया खेतन थे, 6 बजे आए, 5 बजे को आऊँ, फ्रेश व्रेश होकर मंदिर पर जाकर सांस से चलाओ तो यार आदत छूट गई ना। पहले तो वर्कआउट करने डेली फौज वॉज को वर्कआउट करने आए, करे मेहनत करे ज़ोरदार। और भैया जिन जिन भैया ने काम कर फिजिकल मार हुआ उन्होंने बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे दोस्तों। मैं इतना चाहूँगा कि जितने भैया हैं सब लग जाओ, और भैया जो भैया रहेगा वो दुख करियो मत और मेहनत करियो, फिर सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों शरीर काम ना कराओ ज़्यादा, हालत ख़राब रहे पसीने भी जावे। अब वर्कआउट करने आए करूँगा सुबह सुबह डेली वेज, और यहाँ सीधे मंदिर में जाऊँगा, हाथ पाँव मन धोऊँगा, वहाँ कुछ देर मेहनत करूँगा, और वहाँ के बाद दुकान को सामान लाना होटल तो वहाँ जाऊँगा। दिन में बहुत काम है, मैं आज स्टार्टिंग हित करे करूँगा सुबह सुबह। बोल बखेरिया बाबा की जय। मोर देवता घूम रहे धीरे धीरे बरसन को, ये मोर भैया अंकित बयान प्रियपक्त और मोर चल दियो हमारे गेल वर्कआउट करने। अंकित बयान प्रिय ना कहो आज मोर तैयार होगा हमारे गेल वर्कआउट करने का, युराव तो इसे भी अपने साथ लेके चलते हैं। आ जा भाई मोर मेरे साथ वर्कआउट करियो आज तू भी, जब अंकित बयान प्रिय गेलो उड़ गो भाई। वर्कआउट स्टार्ट है, यू अपनी रेंज रोवर है, हाथ तो चल रही है, बहुत पीछे चला रहा हूँ, पसीना रहे हैं। मंदिर पर जाकर पेलते हैं 10-20 डंड डंड वंड तो ना यार, डंबल मारे करेंगे, बाजू ऐसा कर देनी है गोल। ये मेरे बापू की रेंज रोवर है भाई, सुबह सुबह इससे ही आया करूँगा अब, इससे अगर देर पाँव खुले, पाम भी खुले और शरीर भी खुलता है। तो भैया हम पहुँच गए मंदिर पर, पहले हाथ पाँव धोएंगे, फिर अपने कल के लगाए हुए जो पेड़ है उन्हें देखेंगे, उनमें पानी पत्ता देंगे, ठीक है ना। जय हो मेरे देव देवता दोस्त, हमारे देवता ये एक पेड़ यू है, और वो देख दोनों बढ़िया तरह हुए पर हैं, दो तीन पल्ली साइड लगाए हुए देखेंगे ना। चिन्ह पानी देंगे थोड़ा बहुत, वर्कआउट मारते हैं घंटार मर के, देखिए पास उठ गई, थोड़ा बहुत वर्कआउट मारते हैं, ठीक है ना। मंदिर की देसी धर्मशाला, मतलब एक टाइम में देसी जिम है, ये सूख रहे बड़े बड़े मल्लन के, तो थोड़ा बहुत वर्कआउट आज हम भी लेके देखते हैं, ठीक है ना। तो भाई ये डंबल आ गए आपके भाई के हाथों में, और पीलते हैं आप तो भाइयों 20-20 के सेट हो गए हैं, और थोड़े से लेंगे नवर का डंबलन को रखे जितने उसके इतने डंबल, क्योंकि ये मजबूत बनाने हैं, हल्को हल्को पसीना आने लगा हुआ। तो यू भी दोस्तों अपना वर्कआउट ठेक लागो, सब ज़्यादा डंबल मारने,
तो दोस्तों बहुत दिन हो गए वर्कआउट करे भी, तो आपको भैया फौज फौज भर देखा जाओ करने ट्रेडिल में, अब आज फिर तो सुधारेंगे। आज कम वर्कआउट करो फिर हाथ दुखने लगा बहुत पुर रोस, जब जब धीरे धीरे बनेगी ना अब भी दुख रो शरीर एकदम ज़्यादा उखल लियो, तो यहाँ तो जाऊँगा सीधा घर, घर जाने के बाद जो भी काम रहेंगे बाजार बाजार उन्हें दिखाऊंगा, ठीक है ना। जय बाबा के साथ में बने रह करो यार, देखो यार मोड़े कितना अच्छा गुलो आवे मेहनत करने के बाद, बारिश होने लगी भाई है, हल्की हल्की सी बारिश होने लगी है, ये हमारे गुरुजी महाराज। चल दिया घर के, लेकिन चलते चलते ऐसी बूंद आ रही है देख लिया, पर आगो तब पर आगो थोड़ी सी कसर और है, गर्मी बहुत है। हम तो आ गए घर, लेकिन घर तो अभी सब सोने लग रहे हैं, मतलब कि यू भी सही है, मैं सो जितना सो जावे। तो हम लिख रहे हैं होटल का सामान लेने के, आग आग दिखाते हैं पूरे दिन को ब्लॉग बनाएगो। पंप आ गया, पंप पैसे करवाते हैं, पेट्रोल डीजल की गाड़ी ना भी है छोटी सी, यही पेट्रोल तो काम चल जावे, वैसे यार भीड़ लगी पावे यार, देखो लग रही भीड़ लग रही है भैया जी क्या। दोस्त हम आ गए अपने भाई की बेकरी पे, भैया की बेकरी है, और यहाँ तो मंडी में तैयार सामान जब लिख रही है, ठीक है ना। पेटी हम चीर बर्गर बर्गर भर लिए हैं, और पेटी वगैरह वगैरह सब सामान आ रहा है। युवा भाई हसनपुर चौक वाला पुल दिल्ली टू मथुरा।